कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये इच्छा थी कि जब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तब इसको देखनी है, और क्योंकि जब ये थिएटर्स में आई थी तब मैंने इसे देखने से मिस कर दिया था, या मैं कहूँ कि मैंने जानबूझ के इसको छोड़ दिया था, वो उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो जब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर आती तो मैं इस मूवी को देख लेता हूँ, और आज मतलब इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इटर्नल्स मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी लेंथ 2.5 घंटे के आसपास है, बहुत ज़्यादा लेंथ है यार इसकी। और जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखते वक्त कोई उम्मीदें नहीं लगा ली थी कि यार इसके अंदर मुझे ये देखने को मिलेगा या फिर ये देखने को, नहीं यार बहुत सिंपल सा मुझे ट्रेलर लगा था, तो कोई उम्मीदें नहीं थी मूवी से भी, और यही कारण था कि मैंने इस मूवी को स्किप किया था जब ये थिएटर्स में आई थी। पैसे का अभाव भी था और स्किप भी कर, तो मतलब काफ़ी अच्छा लॉजिक बना था। खैर मूवी की स्टोरी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। खैर सबसे पहले तो चर्चा करते हैं, देखो मूवी के अंदर 10 इटर्नल्स आते हैं, मतलब कौन भेजता है, जब ये आप देखोगे तब आपको समझ जाएंगे कि कौन इनको भेज रहा है धरती के ऊपर। और जब ये धरती पर आते हैं तो इनका मेन काम ये होता है कि इंसानों की रक्षा करें डिवियंट से। डिवियंट एक तरीके का राक्षस है जो इंसानों को मार रहा है। अब ये डिवियंट की भी एक कहानी है, किन्होंने मतलब डिवियंट क्यों आ गए हैं, मतलब ये वाली जो चीज है आपको सारी चीजें जब भी मूवी देखोगे तब पता चल जाएगा। एक्चुअल में इनका मकसद कुछ और होता है, इटर्नल्स का मकसद कुछ और है। जब आप मूवी के लगभग शायद मैं कह सकता हूं कि आधे घंटे बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मकसद क्या है। और जब इसका एक्चुअल स्टोरी जब मुझे पता चली थी तो मुझे एक एनिमे सीरीज की याद आ गई थी, उस एनिमे सीरीज का नाम था द प्रोमिस नेवरलैंड। अब मैंने आप लोगों को हिंट तो दे दिया है कि इसकी स्टोरी क्या है, वो मतलब यार ज़्यादा बता दूंगा तो फिर स्पॉइलर चला जाएगा और फिर मुझ पे ऑलरेडी इल्जाम लगते आ रहे हैं कि भाई तुम स्पॉइलर देते हो, तो यहीं रखते हैं, इससे ज़्यादा बताना खतरनाक होगा क्योंकि आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। और आपका कहीं ना कहीं आप MCU के बहुत तगड़े वाले फ्रेंड हो तो आपको ये लगेगा यार हमें तो स्पॉइलर दे दिया, हमारा मजा किरकिरा कर दिया, और वो मैं नहीं चाहता। और अब बात कर लेते हैं कि क्या इस मूवी के अंदर अच्छा है और क्या बुरा, मतलब बुरे में तो हम बहुत कुछ चीज़ें बुरी निकाल लेते हैं, अच्छे में तो बस ये कह सकते हैं कि ये मूवी ठीक ठाक है, मतलब स्टोरी इसकी एवरेज है हम कह सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये 10 करेक्टर्स देखने को मिलेंगे, इक्रिस हो गया, थीना होगी, गिलगमोस हो गया, स्प्राइट होगी, और भी काफ़ी सारे करेक्टर हैं, इनके अलग अलग पावर देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत नए नए एक्शंस देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत बस इतना ही है जितना मैं इसके बारे में अच्छाई कर सकता हूँ। बुरी बातों में ये कि जब ये मूवी शुरू होती है और जब ये ख़त्म हो जाती है तो एक सवाल या फिर बहुत सारे सवाल इसमें अंदर खड़े हो जाते हैं कि 7,000 साल से ये धरती पर थे, डिवियंट धरती पर थे, किसी को रत्ती पर भी भनक नहीं लग रही है, मतलब कमाल की बात देख रहे हो। इससे कहीं पर भी क्लियरिटी नहीं आती इस मूवी से, इससे ऑलरेडी क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि यार ये वाला डिवियंट हो गया या फिर ये जो इटर्नल्स आए हुए हैं वो इंसानों के भेष में ही हैं इतने टाइम से, और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, तो बहुत सारे सवाल तो हमारे सामने खड़े होते। और सबसे बड़ी कमी जो मुझे इस मूवी की लगी वो इसकी लेंथ है, और लेंथ इसलिए क्योंकि 2.5 घंटे यार, और ठीक था चलो लेंथ भी इतनी रखो, लेकिन इसके अंदर जो सीन थे वो बेवजह के थे सच में। अब मैं उनको बताऊंगा तो यार फिर वो होते ना स्पॉइलर जा रहा है, तुम मूवी के बारे में बता रहे हो यार ऐसा मत करो, तो वो वाली बात है, वो इसलिए बता नहीं पा रहा। लेकिन एक्चुअल में इस मूवी के अंदर इतने सारे कुछ सीन थे जिनको देखकर ऐसा लगा कि यार अगर ये ना होता तो मूवी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इवन मूवी अच्छी ही होती, मूवी की लेंथ कम होती और हम इससे कनेक्ट रह पाते। 2.5 घंटे तक कनेक्ट रह पाना यार मुश्किल है, मूवी तो लेंथी है ही गई लेकिन इसको स्लो भी किया गया है, कहीं ना कहीं हमें कमी सी लगती है यार क्या इसके अंदर, यार ये मिर्च मसाला नहीं डाला गया है। जैसे MCU के अंदर थोड़ी बहुत कॉमेडी तो होती है और अब इस मूवी के अंदर थोड़ी बहुत कॉमेडी तो डाली गई है, लेकिन इसके स्लो होने के कारण उस कॉमेडी को भी हम अच्छे से मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर हंस नहीं पाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हाँ अब इतनी सारी बुराई कर दी क्या इसको हम देखें ना देखें, तो देखो यार मेरे हिसाब से तो आप इसको 1 टाइम कंसिडर कर सकते हो कि हाँ एक बार तो देखने लायक है, आपको कुछ एक थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा कि ये जो नए करेक्टर हैं इनकी पावर क्या है, एक ये छोटा मोटा बेतुका सा एक लॉजिक देते हैं कि जब थैनोस आया था तब ये क्यों बीच में नहीं आए थे, लेकिन लास्ट में जब मूवी खत्म होती है तब ये बीच में क्यों आ रहे हैं, तो ये एक सवाल खड़ा होता है हमारे सामने, मतलब इंसानों के प्रति इनका प्रेम जाएगा, तो क्या चुप होता हूँ वरना फिर मुझे डांट पड़ जाएगी। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो डिज्नी भैया डिज्नी भाई साहब है ना, तो आपको वो ये मूवी दिखा देंगे अपने OTT प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और जिन्होंने देख लिखी तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट कर देना यार, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि वार्तालाप होती रहती है। और तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ हिंदी डबिंग है, हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी की गई, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।